अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हाँ बोलो। वो नंबर इस वक्त बंद है सर, स्विच्ड ऑफ, पर मैंने उसको सर्वेलेंस पे डाल दिया है। जैसे ही वो फोन ऑन होगा मुझे खबर हो जाएगी, मुझे खबर होते ही आपको खबर कर दूंगा। गुड, गुड जॉब राजू बेटा। जी बाबा। बाबा वो नामांकन पत्र भरने की औपचारिकता पूरी करने के लिए पार्टी ऑफिस। यहाँ आओ। तो आओ बेटा आओ। जी। अरे भाई दोबारा पार्टी की टिकट मिलने की खुशी में आज रात खाना तुम्हारी पसंद का बनेगा। अरे बाबा। बाबू उस सारा जो मेनू है ना सब तय हो गया है। और मीठा माई माई मीठा तो तू देख लेना है ना। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहना, 6 तरह की मिठाई बनाएंगे। हाँ राजीव, तुम्हारे नामांकन की खुशी हम सब मिलकर मना रहे हैं और इसका पूरा श्रेय हमारी कुहू को जाता है। वैसे अगर कुहू ने इतना साहस नहीं दिखाया होता दही हांडी में तो तुम दोनों भाइयों में से कोई एक इस घर से बाहर चला जाता। राजीव चंडेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, राजीव चंडेल जिंदाबाद, राजीव चंडेल जिंदाबाद, राजीव चंडेल जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, राजीव चंडेल कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, जीतेगा भाई जीतेगा, राजीव चंडेल जीतेगा। हाँ लेकिन आप लोग इस वक्त यहाँ कैसे? हमने बुलाया है। हम दोनों की सरल और आदर्श पति पत्नी की छवि लोगों तक पहुंचे और खासकर आपको महिलाओं के वोट मिले। हंसनी देवी राजीव चंदेल जीतेगा भाई जीतेगा, राजीव चंदेल जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा। अब तो ऐसा रोज ही दिखेगा सड़कों पे, पोस्टर्स पर हम दोनों छनकेंगे, टीवी न्यूज रैलीज पर हमारे जलवे होंगे और तुम यहाँ बैठी बैठी नफरत और ईर्ष्या की आग में जलोगी। ज्यादा घमंड और ज्यादा उत्साह इंसान का सर्वनाश कर देता है। दीदी जब तुम्हारा सच सामने आएगा ना सब पोस्टर का, तुम इस घर में भी नजर नहीं होगी। खैर ऐसा इस जन्म में होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा। बुआ जी साथ करते हैं आरती पति पत्नी की। पत्नी है हम इनकी और इस वक्त पति को पत्नी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो साथ में होगी आरती। सही कह रहे हैं ना? सच तो सामने आकर रहे दीदी, तुम्हारा पर्दा फास होकर रहेगा। हमको मालूम है कि हमको अब क्या करना है। भाभी वो आवाज वाली मोबाइल ऐप बहुत जल्दी उपलब्ध होने वाली है। अरे वाह आवाज वाली ऐप, उसका आप क्या करेंगे भाभी? आज कोयल ना हमको कुछ देर पहले बहुत ही एगो बड़ा पते का सलाह दी है कि जो काम समझ में ना आता हो उसको शुरू से शुरू करो। माने इस समय राजीव बाबू सच के तलाश में, तो हम भी तो उनका मदद कर सकते हैं ना। जैसे हंसनी दीदी का जो सच है उनके सामने उजागर करके, या तो कुछ ऐसा करे जैसे हंसनी दीदी खुद अपना सारा सच उनके सामने बक दे। कहे कि बाबू तो सबूत जुटा रहे और जिस नंबर से वीडियो भेजा गया है उसके तह तक जा रहे, और जिस दिन ये वीडियो भेजा गया उस दिन हंसनी दीदी इसी घर में थी। तो कि जो हुआ इसी घर में हुआ है, यानी वो मोबाइल और वो नंबर अभी भी इस घर में मौजूद है। अगर घर में मौजूद ना हो तो क्या पता मोबाइल और नंबर दोनों घर के बाहर छुपा दिए गए होंगे। पर फोन कहीं भी हो मोबाइल हैकर के लिए पता लगाना कोई मुश्किल बात नहीं है। सिर्फ मोबाइल का पता लगाना जरूर नहीं है,
उस नंबर का भी रहस्य जानना जरूरी है जिस नंबर से वीडियो भेजा गया था। और संजीव बाबू, आपको तो पता है ना कि हंसनी दीदी आवाज बदल सकती है। मालूम है। आपको याद है ना जब आप स्कूल में आए थे कोयल के, आपको लगा कि हम आपको मैसेज किया है लेकिन हंसनी दीदी आवाज बदल के आपको मैसेज की थी। क्या आप सारे समाज के आगे कोयल को अपनी बेटी और अपने आप को उसका पिता स्वीकारिएगा? हंसनी दीदी आवाज बदल कर राजीव बाबू का ताकत वाला दूध में भी शराब मिला दी थी, और यही सच राजीव बाबू के सामने लाना है कि हंसनी दीदी में आवाज बदलने का काबिलियत है, और इसी काबिलियत के जरिए वो किसी का भी आवाज निकाल सकती है, हमारा, सिंधु जी का, संजीव बाबू का, तुम्हारा बड़का बाबू आपका भी। हमको तो लगता है ना कि हंसनी दीदी को ना खुला चुनौती दे देते हैं ताकि ये काबिलियत ना अपने आप ना सबके सामने आ जाए। अब समझा, बस एक बार ये साबित हो जाए कि रघुवेंद्र जी को जो वॉइस नोट मिले ये सिंधु के नहीं, सिंधु की आवाज में हंसनी ने की है, बस हंसनी का सारा भांडा फूट जाएगा। तो ये तेरा राजीव के पार्टी ऑफिस से लौटते ही हम ये आवाज अभियान शुरू कर देंगे। बड़का बाबू, ये आज रात ही करना होगा, ये आज रात तक सिंधु जी का जो सच है ना वो राजीव बाबू के सामने लाना ही होगा, नहीं तो समझ जाइए कि बहुत देर हो जाएगा। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। रघुवेंद्र जी, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे हमारी छवि खराब हो, क्योंकि संजीव की दोस्त सिंधु को रात होते होते ही चंदेल भवन से बाहर निकाल दिया जाएगा। क्या मैं इस बात की उम्मीद रख सकता हूँ कि आपको पूरा यकीन है कि अपराधी वही लड़की है, कोई और नहीं? आप खुद ही देख लीजिएगा हमारे घर आकर, उसकी शक्ल देखते ही आपको पता चल जाएगा कि कितनी चालाक, चतुर और सातिर है वो लड़की। वैसे रघुवेंद्र जी, आप शाम को डिनर पर तो आ रहे हैं ना? एक सेकंड बस। जी बोलिए। पूरा खाना वो खुद बनाएगी तब? ऑफ कोर्स सर, क्यों नहीं, क्यों, तू बनाएगी खाना? को इन्फॉर्म कर दो शाम को रघुवेंद्र जी डिनर पर आ रहे हैं। जी चार तरह का तरकारी, पुलाव, तीन तरह का सलाद और मिठाई में कलाकंद, खाजा और रसमलाई और जलेबी, गुलाब जामुन और रसगुल्ला भी। चलो आज ये चैप्टर भी खत्म हुआ। एकदम करेक्ट किया हंसनी ने, कि सारा ब्लेम इसके ऊपर डाल के इसको घर से थ्रो आउट कर दिया। आपका स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते सर, ये वही है ऑडियो वीडियो मैसेज की अपराधी। तुम? अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो। और पापा कैसे हैं तुम्हारे? पापा बिल्कुल ठीक है अंकल। हाँ आजकल कोर्ट कम जाते हैं और केसेस भी कम ले रहे हैं। बेटा पापा को भी तो रेस्ट चाहिए ना, और वैसे भी मैंने सुना है पटना के अदालतों में बड़े चर्चे चल रहे हैं तुम्हारे, बेस्ट क्रिमिनल लॉयर ऑफ पटना। राजीव जी। जी आना जरा। सिंधु के पापा पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, सीनियर एडवोकेट हैं, और इसके बारे में तो आपने सुना ही है, अभी काफी अच्छी और बड़ी वकील है वहाँ की। जी। राजीव जी। जी। एक मिनट जरा आना प्लीज। जी सर। ये जो आरोप है तुम्हारा वॉइस मैसेज का, ये संभव नहीं लगता मुझे, क्योंकि इस लड़की को मैं बचपन से ही जानता हूँ, बड़ी ही संजीदा लड़की है, ये ऐसी बचकानी, घिनौनी और ऊंची हरकत ये नहीं कर सकती, किसी और का काम होगा, पता लगा। सिंधु नहीं है तो फिर कौन है?